व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो भाई? स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की स्पेशल सी वीडियो में। भाई ये शेरू बाबा नौटंकी कर रहा, तो मैं जा रहा अपने रूम में दूसरी रूम में देखने। तो भाई देख रहा कितनी मस्त भोजपुरी मूवी चल रही है यार, मस्त मज़ा आ गया देखने में। तो भाई देखो यहाँ पे चलते हैं। भाई देखो आज मैं वहाँ पे बैठे बैठे देख रहा था मूवी, तभी मेरे को याद आया कि मैं पुरानी वीडियो में कुछ बोला था भाई। मैं पुरानी वीडियो में बोला था कि मैं काउ फार्म बनाऊंगा एक, तो भाई अब तो बोल दिया तो करना तो पड़ेगा ना। तो भाई कोई ना, अब बनाएंगे। देखो जो अपना पुराना काउ फार्म था यार, ये तो पता नहीं क्या हो गया, इसमें ग्लिच हुआ या समझ नहीं आ रहा था। मतलब मेरे पास में प्रॉब्लम एक बात की हो रही थी ना, कि जो इसमें मैं लावा रखा तो बार बार फेल हो रहा था। तो भाई यहाँ पे देखते भाई भाई ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ रही, एक सिंगल इसको लगा यार मारने के लिए, दौड़ गई मेरे पीछे पीछे। भाई देख रहो यार क्या ही बताएं, तो इससे पहले घर में चलो यार, नहीं मार देंगी ये। भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा डैमेज दे रही है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये यहाँ पे घूम रही है। रुको रुको, क्लोज भाई, अगर क्लोज आई तो इसको पक्का मार देंगे, क्लोज नहीं आए तो छोड़ देंगे। भाई गलती तो मेरी थी ना, मेरी मैंने ही पहले इसको मारा, लेकिन अब भाई अगर क्लोज आए तो पक्का मार देंगे। तो देखो भाई वहाँ पे घूम रही है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मुझे चेक करना है कि ऊपर मैंने रखा क्या था इसके ऊपर। तो भाई मुझे ये वाला चेक करने के लिए लिप काटना पड़ेगा। तो देखते भाई इसमें वाटर पड़ा है, तो भाई वाटर तो ठीक है, वो तो बाद में वापस आ जा रहा। मतलब मैं जब वहाँ पे बटन दबाता हूँ तो वहाँ पे वाटर ऑफ जा रहा है, लेकिन भाई लावा बाहर नहीं आ रहा, यही उसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई नहीं भाई, उसको तो भाई बाद में फिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर नया बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं भाई नया बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर चेस्ट चाहिए, जो मैं चेस्ट यहाँ पर लेकर आता हूँ। भाई देखो यही है कि मैं धीरे धीरे सारा सामान लेकर आता हूँ। तो भाई मैं इस वाले के जस्ट बराबर बनाऊंगा, जिससे कि अगर मुझे थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रेन करना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो और दिखने में भी सही लगे। तो भाई इसके पीछे दो हॉपर लगाते हैं, हॉपर मेरे पास ख़त्म हो गया, तो कोई ना चल के बनाते हैं अपने पास, तो भाई बहुत कुछ है। तो भाई देखो मेरे को हॉपर तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से अपना भाई ये आयरन उठाते हैं, और अपने पास दो चेस्ट तो पड़ी है, तो दो हॉपर बना लेते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। हॉपर रहेगा तो भाई नॉर्मल है, सही भी रहेगा अपने पास, और सही रहता है हॉपर रहता है, क्योंकि भाई बहुत काम लगने वाला है। कितने भी ऑटोमेटिक कुछ भी बनाओगे भाई, हॉपर बहुत लगने वाला है। अभी मैं तो ऑटोमेटिक बनाने वाला हूँ स्मिथ फॉर्म भाई, क्योंकि देखो अगर मुझे कोई भी चीज़ स्मिथ करना है, तो क्या होता है ना कि अगर मैं कहीं भी डालूंगा ना एक चीज़, तो मुझे बार बार अलग अलग में फर्नेस में डालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, अब मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा ना जिससे कि केवल एक फर्नेस में डालने के बाद ना अपना सारा का सारा सामान एक में ही आ जाएगा, मतलब सारे के सारे में अपने आप फैल जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई वो सब काम तो अगली वीडियो में होने वाला है, अभी जो होगा वो देखो कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको चारों तरफ से अपने ग्लास से कवर कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा ना कि ये यहाँ पे जो अपने काउस के बेबीज आएंगे ये कवर हो जाएंगे, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। और जो कि हमको करना है, मेन हमारा काम वही है कि सबसे पहले हमको काउस के बेबीज को ट्रैप करना है। तो भाई ये गलत लग गया, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। पीछे मेरे को डिस्पेंसर लगाने के लिए यहाँ पे तो बेस चाहिए, क्योंकि भाई हवा में तो अटकेगा नहीं, तो मेरे को एक चिपकाने के लिए चाहिए। तो भाई मेरे पास डिस्पेंसर नहीं, सबसे पहले लगाते हैं चल के डिस्पेंसर बनाते हैं। तो भाई देखो रात हो गई, तो सबसे पहले दिन कर ले ज़्यादा सही है यार, पता नहीं क्या रात में कुछ भी हो सकता है भाई, क्रीपर ऊपर आके फट जाते भाई, ये तो पसंद नहीं हमको। तो भाई देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास एरोज हैं, बोज हैं, कि बोज नहीं है तो कि भाई बनेगा नहीं। और लेकिन अपने एक्सपी पॉइंट किस दिन काम आएगा यार, भाई इतने सारे इसमें स्केलेटन पैदा होते हैं कि क्या बताएं भाई। लेकिन भाई एक बात है, रात में ही चलता है यार, पता नहीं क्या ग्लिच है इसमें, भाई रात में अपना एसपी फॉर्म चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी चलता है मेरे रात में आके अपना सारा का सारा यहाँ पे कर लेता हूँ, बंदे मार लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्लोज आते ही भाई मर गया, पता नहीं क्या है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाव पता नहीं किस बात का बाहुबली बनते हैं, हैं किसी एक लायक के, लेकिन भाई बाहुबली बनने के लिए आ जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे अपना सारा काम खत्म हो गया। अब भाई यहाँ से मेरे को जो भी जितनी भी नीड है मैं यहाँ से बोझ उठा लूँगा, जिससे कि ना क्या होगा कि मेरे को जो भी नीड है मेरा काम कम्प्लीट हो जाएगा फिर। तो भाई यहाँ से देखो ये अपना ये तो काम कंप्लीट हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना यहाँ से डिस्पेंसर बना लेते हैं। भाई कॉबल स्टोन भी चाहिए यार, मतलब सब कुछ खत्म ही पड़ा है। तो भाई अपना कॉबल स्टोन तो पड़ा नहीं है यहाँ पर, तो रेस्टोन टाट भी कोई नीड नहीं, मेरे पास बहुत पड़ा है। तो भाई बगल में चल के अपना सबसे पहले कॉबल स्टोन लेकर आते हैं। तो भाई जैसा कि देख रहे हो यार, अपना देख लो ये पूरी माइन खाली पड़ी है, जिसको नीचे देख लो कितनी बड़ी माइन है। और ये भाई ये ज़ॉम्बी क्या डांस कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पहले नीचे ला के मारते हैं। वैसे बता रहे जब बंदे थोड़ा दूर रहते हैं ना, उनको नज़दीक ला के मारने में जो मज़ा है ना भाई, कहीं आई नहीं। तो भाई ये आयरन का भाई क्या लेकर चला, भाई चुराया तो नहीं मेरे पास से, भाई बहुत मारेंगे ऐसा क्या हम किया। तो भाई देख रहे हो नीचे पूरी माइन है, तो भाई माइन को बाद में एक्सप्लोर करेंगे, सबसे पहले अपना ये जो बात वाला काम है इसको ख़त्म करना। तो भाई माइन को एक्सप्लोर करना ही है, क्योंकि भाई मेरे पास जितनी भी लूट थी सारी खत्म हो गई है भाई, इतना सारा सामान बनाना पड़ा ना भाई, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा आयरन भी खत्म होने वाला है। तो भाई आयरन फार्म तो काम कर नहीं रहा, नहीं तो भाई आयरन की कमी ना होती। और गोल्ड का तो भाई कोई यूज़ ही नहीं, सबसे यूजलेस चीज़ है यहाँ पे गोल्ड। गोल्ड बस एक काम आता है, जो वहाँ पे पिगलिंस है ना, जो नेदर पोर्टल में, वहाँ पे जाके उनसे ट्रेडिंग करो भाई, और बस किसी काम की नहीं है गोल्ड।
तो भाई यहाँ पे देखो अपना सारा काम का कम्प्लीट हो गया, तो मेरे को 8 डिस्पेंसर बने थे, मैं दोनों दो रख दो 6 रख दिया, 2 लेकर चल रहा भाई। ये देख रहे हो थंडर स्टॉर्म चल रहा है, सबसे पहले सो जाते हैं, इसको पानी बरसना सही करें यार। मतलब देख रहे हो दिन हुआ नहीं कि भाई थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो गया, फिर जाके सो, भाई दिन भर सोना ही सोना चल रहा भाई, अपना काम खत्म नहीं हो पा रहा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे चल के अपना डिस्पेंसर लगाते हैं। तो भाई देखो ये अपना ये बेस तो तैयार है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक लगाऊंगा ये कॉबलस्टोन और नीचे चढ़ के और एक अपना डिस्पेंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई जैसा कि देख रहे हो कि मेरे को थोड़ा बैठना पड़ेगा, और बैठ के अपना एक डिस्पेंसर लग गया, दूसरा भी लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकलते हैं यहाँ से। भाई कूद के निकल आया, हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे निकला, तो भाई इस कॉबलस्टोन को निकाल देते, कोई अब नीड नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितनी आसानी से, देख रहे हो एक बार में कितना कॉबलस्टोन टूट रहा भाई, पता नहीं चल रहा। तो भाई इसलिए थोड़ा डर लगता है, पता लगे एक तोड़ने के चक्कर में 2-3 टूट जाए, तो भाई इसलिए थोड़ा सही नहीं लगता। तो भाई देख रहो मेरे को चाहिए भाई ऑब्जर्वर भाई यहाँ से निकाल लें, लेकिन भाई कोई नहीं, जो बना लेंगे कोई नया, तो भाई ज़्यादा नीड नहीं लगती उसको, आराम से बना सकते हैं। तो भाई जैसा कि देख रहो, तो भाई ऑब्जर्वर बनाने के लिए मेरे को चाहिए भाई नदर कॉर्ड्स। भाई मेरे पास तो थे बहुत, और मैं लेकर भी आया था, लेकिन भाई कहाँ रख दिया ये नहीं पता चल रहा। तो कोई ना, मेरे को जाके लाना पड़ेगा अब घर से भाई, क्योंकि मिल तो रहा नहीं है। तो भाई जैसा कि देख रहा हूँ, मैं अपने भाई घर से लेकर आया भी नदर कॉर्ड बहुत सारे, उसके बाद अब चल के बनाते हैं, देखते हैं कितने सारे बन जाते हैं यहाँ पे। तो भाई मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ना भाई, रेसिपी तो मेरे को पता नहीं है, बहुत सिंपल है बनाना, लेकिन भाई अब देखो बनाते रहो तो याद रहता, नहीं तो भूल जाते। तो एक रख देता हूँ, एक लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे को एक की नीड है बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पे मैं चलता हूँ, उसके बाद देखो इसको लगाने का तरीका है कि इसका जो मुँह है ना वो अपने साइड होना चाहिए। तो भाई देखो उल्टा लग गया, ये अंदर रहना है। तो भाई देखो अब यहाँ पे मेरे को बेस बनाना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। तो भाई ये कि यहाँ पे थोड़ा सा ना डोर टाइप का बनाते हैं, उसके बाद अंदर से देखो ये लगा दिया। अब देखो ये देखो परफेक्ट लग रहा है भाई, एकदम देख लो इसका चेहरा एकदम सामने आ गया। अब मेरे को बटन चाहिए यार, अब अंदर जाके बटन कौन लाए यार, यहीं से एक पेड़ कट कर लेते हैं, इतने सारे पेड़ किस दिन काम आएंगे। तो भाई यहाँ पे मैं लॉक बनाता हूँ, उसके बाद एक बटन बना लेंगे, और एक की बटन का काम है भाई, काम नहीं है। तो भाई यहाँ पे लगाया, देखो ये अपना जो मेन काम था ये कंप्लीट हो गया। और भाई देख लो इसमें सिंगल भी रेड स्टोन का यूज़ ही नहीं है भाई, रेड स्टोन यूज़ ही नहीं है भाई, सब सिंपल लगने वाले हैं यहाँ पे। देखो भाई अब मेरे को ये वाला तो चीज़ कंप्लीट हो गया, अब मेरे को पैन लगाने हैं, मतलब जो ग्लास के पैन नहीं होते, जो थोड़ी विंडोज़ में लगते हैं, तो वो मेरे को लगाने हैं थोड़ा, क्योंकि ऊपर मेरे को पानी रखना है, पानी को रखने के लिए थोड़ा सा ना एक डोर टाइप का चाहिए, तो मैं थोड़ा ऊपर में जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं ऊपर भाई, तो आसानी से पहुँच गए। तो यहाँ पे एक रखते हैं अपना स्टोन, उसके बाद बगल में लगाते हैं ये पेन। तो भाई जैसा कि देख रहे हो अपना यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो ये एक ऐसे ही लगाना, अगर इसको नीचे मत लगाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो भाई अब यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अब मेरे के ऊपर इसके एक बॉक्स बनाना है, जहाँ पे अपने काउज हैं वो ट्रैप होंगे। तो भाई मेरे को एक और लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे सारा का सारा एरिया हमको कांच से ढक देना। देखो रख सकते हो तो भाई स्टोन से भी हो, लेकिन स्टोन से रखोगे भाई क्लासिक लुक नहीं आएगी, क्योंकि भाई अगर छिप जाएगा तो भाई मज़ा नहीं आएगा, तो पहले वाला गड्ढा भरे। तो भाई देखो अपना क्लासिक लुक नहीं आएगा, तो भाई मज़ा नहीं आएगा यार। देखो जब तक भाई थोड़ा सा ना दिखने में मजा नहीं आया, तो भाई कोई फायदा नहीं है ना बनाने का। तो भाई देखो ये वाला कंप्लीट हो गया अपना, सारा का सारा इसको फुल कर लेते हैं भाई। 2 लेयर बना लो, जिससे कि ना कोई भी काऊ ऊपर ना जंप कर पाए। तो यहाँ पे नीचे लगा देते हैं एक एस्लास, और क्योंकि उसको तोड़ना तो पड़ा ना, क्योंकि कोई मतलब देखो बीच में देखो ये पैन लगाया, नीचे देखो बॉक्स नहीं गिर पा रहा। अब जो भी यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी होगा ना, वो सीधा नीचे गिर जाएगा पानी के जरिए। तो भाई ऊपर इसको ढक लेते हैं अच्छे से। अब देखो भाई अपना पूरा का पूरा फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो गया। अब बस हमको डिस्पेंसर पर रखना है लावा। अब लावा मेरे को लाना पड़ेगा, बटन लगा लेते हैं, जिससे कि ना यहाँ पे एक इनविजिबल बॉक्स लग जाए, जिससे कि जो हमारे कैटल्स हैं, जितने भी काउज हैं, उनको मैं ट्रैप कर सकूँ। मेरे को डायरेक्ट नीचे कूदना पड़ेगा, बहुत हेल्थ जा रही। तो भाई जैसा कि देख रहे हो कि भाई मेरे को थोड़ा सा ना यहाँ पे रखना पड़ेगा लावा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लावा लाएंगे अभी। अभी तो भाई जो चल रहा ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे बकेट मेरे को चाहिए, क्योंकि भाई बकेट पानी का पानी रखना पड़ेगा ना ऊपर वहाँ पे। तो भाई एक बकेट बना लेते हैं, उसके बाद अभी देखो मैं पानी भाई कहाँ से लेकर आऊँगा ना। आप लोग बस सोचो कि मैं तो पानी से लाऊँगा कहाँ से मैं भाई, एक बार गेस करो भाई। देख रहो यहाँ पे एक कुआं था, मतलब कुआं नहीं था लेकिन हाँ उसी टाइप का था। तो भाई मैं यहाँ पे ना उसको ढक दिया था, मतलब ढका नहीं है, मतलब उसको ना पूरी तरह से पानी को लॉक नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स था, और मेरे को पता था भाई नीड तो भाई हो सकता है कभी ना कहीं लगी जाए, तो कोई इसीलिए देखो ढका नहीं हो भाई, दोबारा नीड लग गई। तो जैसा कि देख रहे हो भाई यहाँ पे अपना पानी डाल देते हैं। भाई देखो मस्त तरीके से पानी पहुँच गया, तो कोई अब इसकी एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। तो भाई ये हटाते हैं, अब इसकी कोई नीड नहीं है। मेरे को यहाँ पे एक अच्छी सी स्ट्रेस बनानी पड़ेगी। तो भाई स्ट्रेस से क्या होगा ना कि हमारे काउज एक नंबर से ट्रैप हो जाएंगे। तो भाई देखो अब ये सब तो काम अपना हो गया, ये सब तो भाई नॉर्मल काम था, तो अब इसको थोड़ी डेकोरेशन वाला काम जो आता है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले अपने डिस्पेंसर में लावा डालना है, तो भाई मेरे को लावा जाके लाना पड़ेगा माइन से, भाई बहुत ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या होता है।
तो भाई जैसा कि देख रहे हो कि भाई ये अपना तो भाई काम तो तैयार हो गया, जो भी मेरे को छोटा मोटा काम चाहिए था अपना सारा तैयार हो गया। अब भाई स्लैब लगा देंगे एक, तो स्लैब लगाने से क्या होगा ना कि कोई भी बॉन वो भी नीचे नहीं आ पाएगा और स्पॉन भी नहीं होगा, तो भाई ज़्यादा सही रहेगा यार। देख रहे हो अपने पास गोल्ड बहुत है यार, लेकिन गोल्ड का कोई भी सामान भाई टिकता नहीं है, अगर इससे अच्छा तो भाई आयरन का पहन लो। तो भाई देखो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, तो भाई सीढ़ी टाइप का बना, तो उसके बाद इसको कम्प्लीट कर लेते हैं अच्छे से। तो भाई जैसा कि देख रहे हो मैं यहाँ पे एक स्लैब लगा देंगे अच्छे से, जिससे कि ना क्या होगा कि अब यहाँ पे बीच में इनविजिबल डोर तो बना ही, साथ साथ ना कि कोई निकल भी नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ तो कोई अगर यहाँ पे जंप मारे तो हो सकता था पहले निकल जाए, लेकिन अब कोई नहीं निकल सकता, पूरी तरह से अंदर लॉक हो गया। तो अब भाई मज़ा भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो पूरी तरह से अपना ये आरम फार्म तैयार है, तो मैं लावा लेकर आया। अब भाई ढूंढना पड़ा था मेरे को, काफ़ी दूर जाना पड़ा था, माइन के अंदर काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, तो भाई मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो लावा इधर डाल दिया, अब देखो पहले टेस्ट कराते हैं चलेगा कैसे। तो भाई जैसा कि देख रहे हो ये अपना ये पूरा का पूरा है, तो भाई सबसे पहले मैं काऊ के लिए एक स्टेज बना देंगे, जिससे कि क्या होगा ना कि मेरा काऊ आराम से आ जाएंगे, मेरे को लीड लगा के प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। भाई खींचना वाला काम पसंद नहीं है, पता है आप लोगों को भी। तो भाई देखो ये आराम से यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे अच्छे से, तो भाई आराम से मैं यहाँ पे वीट लेकर आऊँगा। ये आराम से यहाँ से देखो मैं कि अपने खड़े होने का बेस बना लूँ एक, देखो मस्त तरीके से बेस बन गया। देखो ये यहाँ पे बटन दबते ही ना कि लावा का तुरंत बाहर आएगा, और भाई ये बाहर कैसे आ गया यार, कोई नहीं कोई कुछ आगे ग्रास व्रास रही होगी तभी आया, नहीं तो आता नहीं है। तो भाई देखो जैसे कि देखो ये मैं तुमको तोड़ दे पहले, तो देख रहे हो भाई अपना ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब जैसे वहाँ से ऊपर से आएंगे कैटर्स, जैसे बड़े होंगे मैं यहाँ पे एक बटन दाबूंगा और यहाँ पे लावा निकला और सारे के सारे जल जाएंगे, और जलने से क्या होगा कि भाई तुरंत ही सब कुछ सब भाई खत्म हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी उनसे लूट मिलेगी सारी चेस्ट में, तो भाई सबसे पहले चल के अपनी काउस को लेकर ट्रैप करते हैं वहाँ पे। भाई मन तो नहीं कर रहा लेकिन अब तो भाई करना तो पड़ेगा ना भाई, यूज़ का सवाल है तो भाई करना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे देखो जब मैं मस्त तरीके से इसको काउस हाँ। लेकर आते भाई, सॉरी यार गलती से लग गया हाँ। मैं घुमाना नहीं चाहते भाई, इसको भी गलती से लग गया यार, यही है भाई थंब मोटा है तो भाई एक बार में लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं इसको चले के चलते हैं भाई। सारों को नहीं कराएंगे, बस दो को ट्रैप कराएंगे, बस दो एक बार चले जाएँ, उसके बाकी सारे जितने उनको वापस ला के हम रख देंगे भाई। ये सारे के सारे देख रहे हो आने के चक्कर में सबके सब वहीं पर फंस गए, तो भाई रुको पहले एक बार उनको हट अलग करें, उसके बाद लेके चलते शायद आ जाएँ, अब आ जाएँ भाई। देखो फिर सेम यहाँ सबके सब एक साथ आने की कोशिश में कोई नहीं आ पा रहा, तो भाई को उनके एक को ब्रीड कराना पड़ेगा, दूसरे भाई जब ब्रीड करने में लगेंगे तीसरा वाला अपने आप चुपके से आ जाएगा। जैसा कि भाई देख रहे हो ब्रीड हो गया भाई, अपने को एसपी भी मिल गई मस्त तरीके से। और भाई देखो एक्सपी यार जब तक माइन में जाए यार गिर गया यार, मतलब कुछ भी देखो बात बात करने के चक्कर में भाई क्या क्या हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, मस्त तरीके से अपनी काउज आना स्टार्ट हो गई है, तो भाई देखो एक नंबर आ रहे हैं। अब इनको मैं यहाँ पे खड़ा जाऊँगा, अभी आखिर सामने खड़े हुए मेरे को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो गैप है ना वो ज़्यादा है नहीं। भाई देखो एक नंबर तरीके से गिर गया नीचे, अब इसको रुको इसको भी पुश कर देते हैं, ये भी नीचे जाके ट्रैप हो जाएगा। ये देखो एक नंबर भाई, अब किसी की नीड है भाई, आप लोग नीचे चलो। अब भाई देखो दो ट्रैप हो गया, मेरे को किसी की नीड नहीं है, अब इनको इनको लोगों को रख देते हैं, कोई मतलब नहीं इनको मारने का। और इसे भी हमारे पास चिकन इतना भाई ऑटोमेटिक चिकन फार्म से इतना ज़्यादा चिकन निकलने वाला कि भाई हमारी भूख कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। तो भाई जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे इनको ट्रैप कर देते, तो भाई देखो अपनी जो ये बेसिक नीड थी उसको कम्प्लीट हो जाती, तो पहले इनको एक ब्रीड कराते भाई। मैं एक बार ट्राई तो किया था लेकिन हुआ नहीं था, तो जैसे कि देख रहे हो मैं यहाँ पे इनको ब्रीड कराने की कोशिश करता हूँ, तो जो ब्रीड करते ही तो जो अभी बेबीज इनके निकलेंगे वो नीचे चले जाएंगे। अभी मैं आपको सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको दिखाऊंगा भी कैसे होने वाला सब कुछ। जैसे देख रहे हो भाई बेबी जैसे निकला और सीधा तुरंत जाके पानी के जरिए नीचे चला गया। देखो ये एक नंबर देखो यहाँ पे हो गया। अब जैसे ये बड़े होंगे भाई, देखो दो बार मैं ब्रीड करा था, दो बेबीज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको भाई इनको वेट करना पड़ेगा हमको, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं बताऊँगा कि ये कैसे काम करेगा अपना ऑटोमेटिक मशीन। वैसे फुल्ली ऑटोमेटिक तो नहीं है लेकिन हाँ भाई है ऑटोमेटिक, जो कि भाई काफ़ी अच्छा भी है। बस अगर फुल्ली बनाना तो कोई नहीं, बस ऑब्जर्वर को ना थोड़ा सा उसको बीच में रखना पड़ेगा, तो भाई कोई बिग डील नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी तो भाई ये नॉर्मली ज़्यादा सही है, वैसे अभी यूज़ तो है नहीं, बस प्रैक्टिकल करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो ये बेबीज उनको बड़ा होना पड़ेगा, तो भाई उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं उनका अपना जो दूसरे काम कर लेता हूँ। तो भाई देखो अपना आयरन फार्म तो ये काऊ फार्म तो तैयार है, बी फार्म बहुत गजब का, लेकिन अब इसको थोड़ी डेकोरेशन भी कर लेना। तो भाई देखो यहाँ पे मैं लगा दिया और दो बार नीचे भी रख देते हैं। तो भाई देखो एक नंबर लग रहा है, एक नंबर देख रहा हूँ कितना गजब का लग रहा है एकदम। भाई ये अंडरमैन क्या घूम रहा है यार, अभी पीटेगा मेरे हाथ से यार, मैं फालतू पंगे नहीं लेना चाहता यार इससे भाई, ये सच में पीटेगा। रुको मैं अपनी सॉर्ड निकालू यार, फालतू में मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है यार। देख रहा हूँ यहीं पे घूम रहा, पता नहीं क्या, अब इसको कोई काम नहीं। रुको मैं अपनी सॉर्ड निकालू यार, फिर देख रहा हूँ भाई सास में 5 की सॉर्ड है भाई, दो पड़ेगा मर जाएगा, लेकिन भाई इसको समझ नहीं आ रही ये चीज़ भाई। मेरे भाई वहाँ पे क्या कर रहा है भाई, मेरे बहुत गंदा मारते हैं लोग भाई, हट जा यार भाई, हट जा वहाँ से भाई, मेरे से गंदा मारते हैं लोग भाई, मेरे को बहुत गंदा मारे थे अभी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो ये गुस्सा हो गया भाई, दिक्कत आ जा, एक पड़ी है भाई, एक और चाहिए बस, इसको एक और मार,
भाग रहा भाई, भाग रहा बहुत गंदा भाई, देखो क्रिएटिव में खेल रहा भाई, देख रहा चीटिंग, लेकिन भाई मेरे से जीत नहीं पाया, बच गया भाई, बच गया बच गया बच गया भाई, डैमेज दे दिया है वो, देखो भाई देखो, लेकिन अपनी चेस्ट खतरनाक है भाई, इसके डैमेज लगे नहीं, और देखो एक सौ ऑर्डर पड़ी भाई, दो दो एडमिन निकाल दिया भाई, दो दो इंटरपल एक बार में निकाल दिया भाई, देख रहा हो मतलब लूटिंग फ्री लगी है यार, मजाक थोड़ी ना। तो भाई सबसे पहले अपना चलते हैं, देखते हैं जॉम्बी फार्म कैसा चल रहा है। तो भाई देख रहा हूँ यहाँ पे जॉम्बीज जॉम्बीज है भाई, बाहर कैसे निकले यार, ये नहीं समझ में आ रहा हमको भाई, ये बाहर कैसे स्पॉन हो गया यार, कोई नहीं चलते हैं इनको मार देते हैं सबसे पहले भाई, बीच है सबसे डर का है भाई, स्केलेटन होता ना तो भाई इसको मैं घुस के मार देता, बस दिक्कत है ना बीच भी है, और भाई पता है कोई भाई पॉइजन पोषण दे दिया तो भाई दिक्कत है भाई, सबसे पहले इसका डाने मौका सिर्फ बात देते भाई, टीका लग गया देखो हेडशॉट एकदम भाई, पट से टीका लगा, देखो ना कितना मस्त तरीके से लगा। अब भाई इसको पहले को ये जो चुड़ैल है इसको बताते हैं, बहुत ज़्यादा भाई देखो भाई मेरे को चुड़ैल से डर नहीं लगता, बस इसको जो पोषण मारती है इससे डर लगता है भाई, और क्या ही कर सकते हैं, इनके पास और कोई पावर नहीं भाई, देखो स्लोनेस डाला यार, स्लोनेस फर्क ही नहीं पड़ता है, चलो मारते हैं पहले इनको सब, वैसे भी कोई आने वाला तो है नहीं, ये ट्रैप हो चुके हैं भाई, देख रहो भाई एक नंबर से भाई, देख रहो यार अंदर जंग छिड़ी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी भाई तो अपनी शॉट चलानी है भाई, रुको तो भी मारो भाई अंदर, ये क्या कर रहा है यार, इसको मारो। तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई अपने पास एसपी एक्सपी देखो तुरंत भाई, देखो कितनी जल्दी बढ़ी भाई, अगर थोड़ी देर और टिके भाई पता नहीं कितनी एसपी हो जाए भाई। म्यूजिक डिस्क भाई हमको लगता है कोई स्केलेटन मार दिया यार, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है भाई, म्यूजिक डिस्क मिल गया भाई, उस तो पता नहीं कब मिलेगा यार, म्यूजिक बजाने वाला देखते कब मिलेगा भाई। जब तक अपने ये भाई काउज बड़े हो रहे हैं, तब बेबीज काउज बड़े हो रहे हैं, तब तक मैं देखता हूँ अपने चिकन क्या हालत भाई, देख रहे हो कितना मस्त है भाई, देखो लाइट चल गया यार, देखो मतलब एकदम मस्त तरीके में एकदम मस्त टाइमिंग प्ले कराया। तो जैसा कि देख लो भाई 18 हो गया, और भाई अपने 22 वेदर हो गए, तो वेदर का काम तो भाई एरो बनाने का होता है, ऐसा भाई जो मेरा जॉम्बी फॉर्म है भाई इससे बहुत सारे एरो मिलते हैं भाई, अल्टीमेट एरो मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे करो एक अपना एक बड़ा होगा तो भाई दिखाते हैं, तो भाई देखो तुरंत जल गया यार एक नंबर, देखो कितना मस्त लग रहा, और भाई जैसे जलता ही देखो लेदर मिला यार, बीफ नहीं मिला, मज़ा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मिला है भाई इससे संतुष्ट रहते हैं, क्या दिक्कत है भाई। एक बार ब्रीड करा दे जिससे कि अपना भरा भरा लगे भाई, लेकिन हाँ अब इसका यूज नहीं होने वाला, मैं तो नहीं करने वाला इसका यूज, हाँ थोड़ा बना ले जिससे कि थोड़ा भरा भरा लगे बस, और किसी काम का नहीं है। तो जैसा कि देख रहे हो भाई ये फिर से ब्रीड कर लिए, और मस्त तरीके से भाई एक बेबी और आ गया, अब देखो इसको मारेंगे नहीं, अगर हुआ तो तोड़ के निकालेंगे बाहर, मारेंगे नहीं यार कोई मतलब नहीं मारने का। तो भाई देखो चलते हैं अपना, देखो एक नंबर लग रहा है यार, वैसे थोड़ा कोने में सा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब ये सब मैं थोड़ा सा ना इसमें बाउंड्री रखूंगा तो एक नंबर लगने वाला है, और भाई डिजाइन तो एक नंबर रखनेंगे। तो वैसे जब चलते हैं अपने घर में भाई, अब चलते हैं थोड़ी इतनी मेहनत होगी, चल के मूवी भी देख लें यार, मूवी थक गया यार कसम से भाई, ये डस्ट क्या कर रहा है, मतलब देख रहे हो शेर तुम्हारे रहते क्या हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम भी खा लो यार भूखे हो कब्बे से भाई, मेरे से बहुत ज़्यादा भूख लगती है तुमको भाई, तुम तो मेरे भाई चेले हो, तुमको कैसे नहीं लगना भाई, तुम भी खाओ भाई, ये खड़े कहे हो गए बैठो यार क्या कर रहे हो तुम भी, चलो साथ में मूवी देखते भाई, देख रहे हो कितना मस्त गाना चल रहा है भाई, खेसारी लाल दम, देख रहे हो डांस कर रहा है क्या मस्त तरीके से